चंद्रयान जिस रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से हर हिंदुस्तानी को हर क्षण गर्व करने का मौका भी दे रहा है। पहले धरती की शानदार तस्वीरों से हर किसी का मन मोह लिया, तो अब चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुके चंद्रयान 2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर ली है। इसरो ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को चंद्रमा की तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में मेयर ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर्स को भी देखा जा सकता है। इससे पहले इसरो ने 4 अगस्त को चंद्रयान 2 की ओर से भेजी गई पृथ्वी की तस्वीरें शेयर की थी। लैंडर विक्रम 6 सितंबर को चांद पर पहुंचेगा और उसके बाद प्रज्ञान प्रयोग शुरू करेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा है। चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान। इससे पहले बुधवार को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। अब उसे 28 अगस्त, 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चंद्रमा की 3 कक्षाओं को पार करना होगा। तब चांद से उसकी दूरी 18,000 किलोमीटर से घटकर बस 100 किलोमीटर रह जाएगी। बुधवार को चंद्रयान 2 ने चंद्र कॉलोनी में दूसरा लूनर ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। टीम इसरो ने इसके लिए यान के प्रोपल्शन सिस्टम यानी यान पर मौजूद रॉकेट इंजन को 21 मिनट के लिए चालू किया। इसके बाद अब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा से केवल 118 किलोमीटर न्यूनतम ऊंचाई और 4,412 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 2 सितंबर को ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा विक्रम। 2 सितंबर को इस सफर का एक और अहम पड़ाव आएगा। लैंडर विक्रम उसे धरती और चांद की कक्षा में सैर करा रहे अपने ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि इसके बाद सारा ध्यान लैंडर पर केंद्रित हो जाएगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने इस चरण को बेहद दिलचस्प तरीके से समझाते हुए कहा कि ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कोई दुल्हन अपने माता पिता के घर से विदा लेकर ससुराल के लिए निकल जाती है। 3 सितंबर को होगी अहम प्रक्रिया। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद इसरो का ध्यान लैंडर पर केंद्रित होगा। 3 सितंबर को एक छोटी रेट्रो ऑर्बिट प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसमें केवल 3 सेकंड लगेंगे। इसके अगले दिन लैंडर को कक्षा में 35 किलोमीटर के निकटतम बिंदु और 97 किलोमीटर के सुदूरतम बिंदु पर ले जाने के लिए 6.5 डिग्री की समान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 4 सितंबर से विभिन्न मार्गों की जांच की जाएगी जिससे सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रणालियां एकदम ठीक ढंग से काम कर रही हैं। इसके अगले 3 दिनों में लैंडर के विभिन्न मानकों की जांच होगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है। इसरो हर स्टेप पर पूरी पड़ताल करेगा ताकि ये पता चल सके कि प्रणाली बिल्कुल ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। चंद्रयान 2 ने बेशक अपने रास्ते की एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा होगी लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड कराना, जो बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भारत पहली बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। अभी तक ऐसा सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही किया है। जब चंद्रयान 2 चांद की सतह के समीप पहुंचेगा तो उसमें से लैंडर विक्रम की स्पीड तेजी से कम की जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लैंडर विक्रम एक पत्थर की तरह चांद की सतह पर गिर सकता है और क्रैश हो सकता है। चंद्रयान 2 से चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग तक के पूरे समय में करीब 15 मिनट लगेंगे, जो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे भारी रहने वाले हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 90 डिग्री के झुकाव के साथ सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है, जो अब तक किसी ने नहीं की है। इसरो प्रमुख ने कहा कि 7 सितंबर को रात 1:55 पर लैंडर 22.8 डिग्री पूर्वी अंश के साथ चंद्र मध्य रेखा के 71 डिग्री स्थल पर उतरेगा, लेकिन ये डराने वाला क्षण होगा। इसरो प्रमुख के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर दुनिया में जो हुआ है उसे देखकर हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता की दर लगभग 27% है, लेकिन हमें अपने मिशन को लेकर विश्वास है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जब लैंडर से अलग हो जाएगा रोवर। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 4 घंटे का समय लगेगा। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर आएगा। 14 दिन यानी कि 1 लूनर डे के अपने जीवन काल के दौरान रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। मिलेंगे कई अहम नतीजे। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर कुल 8 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। ये चांद की सतह की मैपिंग करेगा
और साथ ही इसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। इसी तरह चांद की सतह के अध्ययन के लिए लैंडर में 3 और रोवर में 2 पैलोड हैं। लैंडर और रोवर की लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की जानी है, जहां ये खनिज और अन्य रासायनिक घटकों की उपलब्धता का पता लगाएगा। ये चांद की सतह की तस्वीरें और विश्लेषण योग्य आंकड़े इकट्ठा करेगा और इसे विक्रम या ऑर्बिटर के जरिए 15 मिनट में धरती को भेजेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक एक्टिव रहेंगे। 27 किलोग्राम का रोवर 6 पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद कर सकता है।